नमस्कार दोस्तों, द जॉब एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी कंपनी में निकली TW जॉब वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी निकाली गई है ITI पार्षद छात्रों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। चाहे आप ITI NCVT से किए हैं या SCVT से, ये दोनों कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे मैं आपको पूरी क्राइटेरिया बताने वाला हूँ, क्या क्या क्राइटेरिया मांगे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बगल में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और फ्रेंड्स, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से हम बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं नोटिफिकेशन पे। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अभी जो है मारुति सुजुकी में अप्रेंटिसशिप TW और CW तीनों के लिए जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको TW के नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको अप्रेंटिसशिप और CW का जो है आपको मैं नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराऊँगा। तो सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पर टेम्प्रेरी वर्कमैन पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो जॉब लोकेशन है गुड़गांव या मनेसर प्लांट, कोई सी भी प्लांट में आपका जॉब हो सकता है। और आपका जॉब का जो ड्यूरेशन रहेगा 7 मंथ के लिए आपको कंपनी रखेगी, और आपका जो सैलरी इसमें रहने वाला है 27,000 पर मंथ के हिसाब से जो है आपको कंपनी सैलरी प्रोवाइड कराने वाली है, जो कि आपका सैलरी CT से रहेगा। अदर बेनिफिट्स में आपको सब्सिडी रेट पे जो है आपको मील्स, यूनिफॉर्म एंड शूज़ एज पर कंपनी के पॉलिसी अनुसार आपको सब कुछ जो है ये फैसिलिटी आपको मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिसमें जो है टेक्निकल एप्टीट्यूड और बिहेवियर से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि किस तरह से किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको उस वीडियो का लिंक इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके बाद जो है आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो HR के द्वारा जो है कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल चेकअप होगा। ये सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है तो आपका जो है इसमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो ट्रेड मांगे हैं यहाँ पे फिटर, वेल्डर, पेंटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मैकेनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल टेक्नीशियन, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, अदर 11 ट्रेड्स एज पर MSIL रिक्वायरमेंट। तो अदर ट्रेड्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिट को यहाँ पे अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ पे जो है आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो एज लिमिट मांगा गया है 18 से 26 ईयर्स के बीच में मांगा गया है। और ITI जो काउंसिल मांगा है यहाँ पे देख सकते हैं, ITI NCVT और SCVT दोनों कैंडिडेट जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा। तो देखिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे देख सकते हैं इस पे दिखा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा टेम्परेरी वर्कमैन हायरिंग। अगर CW का रहेगा तो यहाँ पे वर्कमैन हायरिंग यहाँ पे आपको शो करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स एंड प्रोसेस में फिर से यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको दिया गया है। ITI जो आपका होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, और ITI आपका NCVT SCVT किसी से भी होना चाहिए। लास्ट डेट जो रखा गया है अप्लाई करने का, यहाँ पे देख सकते हैं आप 31 मई तक जो है शाम के 3 बजे तक आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, तो आप जाके किसी साइबर कैफे शॉप पे या आप अपने मोबाइल से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपको इसके ऊपर फिर से वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको रजिस्ट्रेशन करने का तरीका बता दूंगा, किस तरह से जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 3 स्टेप में करना है। सबसे पहले जो है आपके पास एक email ID होना चाहिए, उस email ID को फिलअप करने के बाद जो है आपके उस email ID पे फिलअप करने के बाद आपको जो है उस पर OTP जाएगा, और OTP फिलअप करने के बाद जो है फॉर्म का स्क्रिप्ट जो है ओपन हो जाएगा, और वहाँ पे जो जो मांगा जाएगा वो सब कुछ फिलअप करने के बाद जो है आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया मांगा गया है मारुति सुजुकी TW के लिए। तो आप अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं तो आप जाके अप्लाई कर ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक अप्लाई करने का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी जानकारी समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बगल में बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।